सोना अपने साथ लाए हो डॉन? तुमने जितना मांगा था उतना सोना अपने साथ लाए हो राज सिंह। डॉन, रुपया देकर सोना बाजार में भी मिल जाता है, हमें यहां आने की क्या जरूरत थी? सोना मेरे हवाले कर दो। तुमने सुना नहीं, ब्रीफ के समाज की तरफ फेंक दो। राज सिंह, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? इन बातों से कोई फायदा नहीं डॉन, ब्रीफ केस मेरी तरफ फेंको वरना। ठीक है, ये 10 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा राज सिंह, मगर तुम्हें याद रखूंगा। ये लो। जनमन डॉन, तुमने इसे गोली क्यों मार दी? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? नारंग, मेरे ये बताने से क्या राजेश को दोबारा जिंदगी मिल जाएगी? लेकिन कोई तो वजह होगी। यस स्वीट हार्ट, वजह यह है कि पांव देखो इसके, मुझे इसके जूते अच्छे नहीं लगे। शूज। जूते अच्छे नहीं लगे? राजेश इतने काम का आदमी था और तुमने? रमेश, इसके दाएं पांव का जूता उतारो। उतारो। अब जरा इसके हील को टर्न करो, घुमाओ। माय गॉड, इसमें तो कुछ पेपर्स है। मैक, नारंग, तुम्हारे काम का आदमी दरअसल में पुलिस का आदमी था, पुलिस इन्फॉर्मर था। ये देखो, हमारे खिलाफ सारी इन्फॉर्मेशन और ये नंबर। मेक मी अनदर ड्रिंक प्लीज विल यू लव। नारंग, डॉन, पता चला है रमेश काम छोड़कर भागने की फिक्र में। आई सी। अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है तो कल हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है उसका जिंदा रहना भी खतरनाक है। हमें लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। नारंग, मैं लापरवाही से कभी कोई काम नहीं लेता। वो तो मैं देख रहा हूं डॉन, हमारे पेशे में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। तुम्हारा इस तरह से किसी होटल के स्टीम बाथ में होना बहुत रिस्की बात है। Yes, who's it? Don. नीचे तुम्हारी आंटी बहुत से अंकल्स को लेकर आई है। डॉन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डॉन, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांध कर खींचते हुए ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आई। मैंने तुम्हारे गंदे हाथों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अपने मंगेतर रमेश का बदला लेना चाहती थी। कौन रमेश? बहुत चलाक हो ना डॉन, लेकिन पुलिस को उस टैक्सी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिल चुके हैं। Oh, I see. डॉन, हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। तो तुम रमेश की मंगेतर हो? कोई गोली न चलाए डॉन, मुझे जिंदा चाहिए। रिवॉल्वर खाली है डॉन। वेरी स्मार्ट। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसका मतलब तुम यहां से निकल सकते हो? जी हाँ,
सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह आखिरी वार्निंग है। भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हेलो एवरीबॉडी, डॉन, भागने के बारे में सोचना भी बेकार है। चारों तरफ हर रिवॉल्वर की आग तुम पर लगी हुई है। इस ब्रीफकेस में बहुत पैसे हैं, अपने निकल जाने की कीमत दे सकता हूं। शट अप! अपने हाथ सामने रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। डीएसपी साहब, इसके अंदर इतने रुपए हैं आपने जिंदगी भर नहीं देखे होंगे, एक बार देख लीजिए, शायद आपका इरादा बदल जाए।